वेलकम टू माय चैनल, मैं कौशिक और मैं आज आपके लिए परिमेय और अपरिमेय का कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं और मैं आपको सिद्ध करके बताने वाला हूं कि रूट थ्री अपरिमेय संख्या होता है या रूट टू अपरिमेय संख्या होता है, रूट फाइव अपरिमेय संख्या होता है। इस तरह के सवाल आपके दिमाग में आते होंगे और बहुत कॉम्प्लिकेटेड बोझ तय लगता होगा कि कैसे ये सवाल हल होना है, और ये सवाल हर मैट्रिक एग्जाम में हर सिटिंग में एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ओके, तो बहुत ही सिंपल लेने से मैं आपको बताने वाला हूं। इसके पहले कौन सी संख्या परिमेय होता है, कौन सी संख्या अपरिमेय होता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वीडियो को देखें और परिमेय अपरिमेय संख्या को पहचानने के लिए सीख जाएं। जब अगर पहचानने सीख जाएंगे तो इसमें जो रूल आगे मैं बताने वाला हूं वो आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। ओके, तो ये मेरा पहला सवाल है कि सिद्ध करें कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे रूट थ्री, रूट टू, रूट फाइव कुछ भी जा सकता है। मैं आपको अलग अलग सिद्ध करके बताऊंगा, रूट थ्री को बताऊंगा, रूट टू को बताऊंगा, रूट फाइव को बताऊंगा, जब तक कि आप सीख नहीं जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो देखिए इस तरह का सवाल आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है, इसको सोल्यूशन करते हैं। पहले सबसे पहले तो रूट थ्री को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहले हम मानते हैं, ओके, क्या मानते हैं, आप इस तरह मानेंगे, यदि संभव हो तो माना कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। ओके, यदि संभव हो तो माना कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, बहुत ही मजा आने वाला है। ओके, सारा काम मानने पे होने वाला है, तो रूट थ्री एक परिमेय संख्या को मान लेना है। अब जब परिमेय संख्या मान लेते हैं तो हम जानते हैं इसलिए रूट थ्री कैसा हो जाएगा, पी बाई क्यू के रूप में हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है, पी बाई क्यू के रूप में होता है। अब इसका कुछ फंडा यहाँ पे लिखते हैं, पी बाई क्यू क्यों, यानी कि पी जहां लिखते हैं, जहां पी तथा क्यू एक पूर्णांक है, ओके, क्यू जीरो के बराबर नहीं है, एक एवं एवं इसमें एक और बात लिखना है, इसी के बेसिस पे हम आगे इसको गलत साबित करने वाले हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है। ओके, इसमें देखिए p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन क्या है, p और q में कुछ कॉमन मिल रहा है, इधर p है इधर q है, कोई कॉमन नहीं मिल रहा, उभयनिष्ठ मिल ही नहीं रहा है। ओके, तो हम जब भी परिमेय संख्या बनाएंगे तो उभयनिष्ठ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये देखिए p है यहाँ पे q है, हम अगर p बाय q के रूप में मानते हैं इसमें कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा। ओके, फिर हम लिख देंगे एवं p तथा q में उभयनिष्ठ नहीं है, तो यहां मान लीजिए कि P तथा Q में उभयनिष्ठ कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। अब उभयनिष्ठ नहीं है, इसको बाद इसको क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ओके, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो हम उतारते हैं रूट थ्री का स्क्वायर, वर्ग कर दिए, रूट थ्री को वर्ग बना दिए, अब पी बाई क्यू को भी वर्ग बना दिया। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सोल्व करते हैं, देखिए रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है, थ्री होता है, आप जानते हैं रूट थ्री को रूट थ्री से गुणा करते हैं तो थ्री होता है। ओके, रूट थ्री को दो बार रूट थ्री से गुणा करेंगे तो थ्री होने वाला है, और इसको गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ओके, अब देखिए तीन को इधर भेज देते हैं क्यू की तरफ और पी को इधर ले चलाते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई थ्री क्यू स्क्वायर, तीन इसे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये हम समझा वाला समीकरण क्या हो जाएगा, पहला समीकरण हो जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर बराबर थ्री क्यू स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अब हम पी बराबर कुछ वैल्यू मान लेते हैं। ओके, अब P बराबर 3m, ये माना, ये P बराबर 3 हम मान लिए। ओके, तो जहां यहां पे 3 वाला रहेगा तो 3m मानेंगे, 5 वाला रहेगा तो 5 मानेंगे, m n कुछ भी मान सकते हैं। ओके, 2 वाला रहेगा तो 2 मानेंगे। अब ये मान लिए, अब इसको भी दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर 3m का होल स्क्वायर, वर्ग किए पी का स्क्वायर वर्ग कर दिए और थ्री एम का वर्ग कर दिए। अब आपको पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर रहेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, तीन तीन नौ एम स्क्वायर। अब आप देखिए पी स्क्वायर हमारे समीकरण फर्स्ट में क्या था, पी स्क्वायर टू क्यू स्क्वायर है, हमें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर का मान, सॉरी हम इसका मान समीकरण फर्स्ट का मान इसमें डालते हैं, पी का मान इसमें डालेंगे, यानी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट का मान, इसको समीकरण सेकंड मानते हैं, सेकेंड में रखने, तो अब इसे करने का देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये जो पी का मान आया है, पी स्क्वायर का मान थ्री क्यू आया है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर थ्री क्यू आया स्क्वायर, तो यहाँ पे हम डाल सकते क्या, चूंकि वही है यहाँ पे हम डाल देते हैं, देखिए तो पी स्क्वायर बराबर क्या है, थ्री क्यू स्क्वायर, थ्री क्यू स्क्वायर, जो कि हम इसके जगह पे लिख दिए हैं, और यहाँ क्या है, नाइन एम स्क्वायर। अब देखिए ये तो पता आपको तीन तीन नौ कट जाएगा। ओके, फिर देखिए क्यू स्क्वायर बराबर क्या गया, एम थ्री एम स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड, कोई दिक्कत नहीं, जितना आता समीकरण फर्स्ट थर्ड मान लेते कोई दिक्कत नहीं,
सेल में फर्स्ट में देखिए क्या है, पी स्क्वायर बराबर थ्री क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर बराबर थ्री एन स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर थ्री क्यू स्क्वायर है, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर थ्री एन स्क्वायर। जब पी बटा पी क्यू में कोई वैनिश नहीं था तब पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर में भी कोई वैनिश नहीं होना चाहिए। ओके, जब पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर में कोई भी वैनिश नहीं होगा तो पी स्क्वायर भी डालेंगे, यहाँ पे स्क्वायर डालेंगे, यहाँ पे स्क्वायर डालेंगे, तो इसमें कोई वैनिश नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होगा, पी स्क्वायर में थ्री क्यू स्क्वायर आ रहा और क्यू स्क्वायर में थ्री एम स्क्वायर आ रहा। तो देखिए समीकरण फर्स्ट में देखें, फर्स्ट में थ्री क्यू स्क्वायर और सेकंड में क्यू बराबर थ्री एम स्क्वायर, तो थ्री थ्री यहाँ पे क्या हो जा रहा, वो वैनिश हो जा रहा। ओके, हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी स्क्वायर तथा क्यू स्क्वायर में तीन वैनिस्ट, तीन क्या हो गया वैनिस्ट। देखिए हमारा पी और क्यू में कोई वैनिस्ट नहीं था, तो आप इतना बात समझे जब पी और क्यू में कोई वैनिश नहीं होगा तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर में भी कोई वैनिश नहीं होगा। अब लेकिन जब हम आगे हल किए हैं तो पी स्क्वायर बराबर थ्री क्यू स्क्वायर आ गया और क्यू स्क्वायर बराबर थ्री एम स्क्वायर आ गया। लेकिन यहाँ पे कॉमन देखिए मिल रहा थ्री और थ्री, ये तीन क्या हो गया वैनिश हो गया, लेकिन इसमें तो कुछ वैनिश ही नहीं था, इसमें कुछ वैनिश मिल ही नहीं रहा था। तो अब यहाँ पे क्या देखिए पी स्क्वायर तथा क्यू स्क्वायर में तीन वैनिश है जो कि गलत, जो कि क्या है इसके हिसाब से क्या हो रहा, जो कि गलत है, कि रूल को फॉलो नहीं कर रहा, जो कि अमान्य लिख देंगे अमान्य है। ये क्या होगा हम, यानी कि जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा वो तो अमान्य हो गया। इसका मतलब ये हो रहा कि आप लिख सकते हैं अतः हमारा मानना गलत हुआ, हमारा मानना क्या हुआ गलत हो गया, इसलिए क्या है रूट थ्री, रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। समझे, ये हमारा अगर प्रूफ्ड हो गया, यानी कि सिद्ध करें कि हम इसको प्रूफ्ड कर दिए हैं कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या किस हिसाब से है। तो आपको समझ में आया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें भी कुछ समझ में कुछ डाउट है तो कमेंट लिख के जरूर बताएंगे। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।